ये मीम मुंबई के आसपास के एरियाओं में कुछ समय पहले काफ़ी ट्रेंड हुआ था। कई लोगों ने इसे एंजॉय किया क्योंकि वो इससे रिलेट कर पा रहे थे, और रिलेट इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि ये रियलिटी के बहुत करीब था। अगर नवी मुंबई के आप रेलवे स्टेशन को देखेंगे तो पूरे मुंबई के सबअर्बन नेटवर्क के अंदर ये सबसे ज़्यादा वेल बिल्ड स्टेशन है। वहीं पर अगर ट्रेन्स को देखोगे तो ये सबसे पुरानी, डेटेड और आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा बेकार ट्रेन से पूरे मुंबई सबअर्बन नेटवर्क के अंदर, लोकल ट्रेन नेटवर्क के अंदर जो इन लाइन पर चलाई जाती है, जबकि वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन को ज़्यादातर बेहतर ट्रेन मिलती है। लेकिन फनी बात यह है कि जो देश के अंदर पहली लोकल ट्रेन चली थी, जो एक इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट के दौर पर चलने वाली पहली ट्रेन थी, वो इसी हार्बर लाइन पर चली थी 1924 में CSMT स्टेशन और कुरला के बीच में। इनफैक्ट अगर आज भी आप CSMT स्टेशन से निकलते हो तो मस्जिद स्टेशन से थोड़ा आगे जाने के बाद में आपको एक फ्लाईओवर टाइप स्ट्रक्चर नजर आएगा जो कि ट्रेन्स को ऊपर एलिवेट करता है और बाद में सेंट्रल लाइन के ऊपर क्रॉस करवाता है सैंटस्टोर स्टेशन के ऊपर, और वहीं से ये ट्रेन कुरला गई थी जो पहली लोकल ट्रेन बनी। तो अगर आप अगली बार इस लाइन के आसपास में ट्रैवल कर ले तो ये याद रखना कि जो फ्लाईओवर और ब्रिज है ये तकरीबन 100 साल पुराना है। तो लेकिन इसके बावजूद ये जो लाइन आगे एक्सपांड हुई उसको एक सौतेला ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ, और ये सब क्यों हो रहा है इसी के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों जब पहली लाइन खुली कुरला तक, उसके कुछ समय बाद में ही चर्चगेट टू बुरेवली लाइन भी शुरू हो गई थी इलेक्ट्रिक ट्रेन के साथ में ऑपरेट करने। धीरे धीरे सेंट्रल लाइन भी चीज़ें एक्सपांड हुई और इसके कारण मुंबई के अंदर जो लोकल ट्रेन नेटवर्क है उसकी शुरुआत हुई ब्रिटिशर्स के ज़माने में ही। ये धीरे धीरे फेमस हुई, यहाँ पे लोग ज़्यादा इसका इस्तेमाल करने लग गए। लेकिन हार्बर लाइन जो थी वो जिस तरीके के क्राउड को केटर कर रही थी वो हमेशा से अलग रहा है। दोस्तों अगर आप हार्बर लाइन को देखो तो ये दो टुकड़ों में बनी है। पहला फेज जो है वो मानकुर तक ही था जो ब्रिटिश जमाने से एग्जिस्ट करता था, जबकि जो आज की हार्बर लाइन या ट्रांस हार्बर लाइन सेक्शन है थाने टू नवी मुंबई और मानकुर टू नवी मुंबई वाला, वो 1990s में एक्सपांड हुआ है नवी मुंबई के फॉर्मेशन के दौरान। इसलिए जो हार्बर लाइन का सेक्शन था वो एक काफी अलग क्राउड को केटर करता था, ना कि नवी मुंबई क्राउड को। और ये क्राउड वर्किंग लेबर क्लास क्राउड था, क्योंकि जिस एरिया में से ये लाइन गुजरती थी वहां पर आपको डॉकयार्ड्स देखने मिलेंगे, कॉटन ग्रीन जैसी जगह देखने मिलेगी, आपको मानकुर जैसे लो इनकम एरियाज देखने मिलेंगे, और बेसिकली ऐसे एरियाज देखने मिलेंगे जो मुंबई के रन डाउन या कहे तो पिछड़े एरियाज के अंदर से गुजरती थी। इसके कारण यहाँ पे जो ट्रैवल करने वाला सेक्शन था उनके लिए कभी रेलवेज ने बड़ी एमिनिटीज या बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सोचा नहीं। और इनफैक्ट अभी भी यहाँ के अगर आप स्टेशन वगैरह को देखते हो ये तो कंपैरेटिवली सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन से ये काफी पीछे है और इसलिए इग्नोर थी। लेकिन फिर भी ट्रेन्स का इशू नहीं था इस लाइन पे, क्योंकि कहीं ना कहीं पर ट्रेन्स यूनिफॉर्म ही चलती थी हर लाइन पे। लेकिन ये इग्नोरेंस 1990s में रीजन बना AC-DC कन्वर्जन के टाइम पे इस लाइन का पीछे छूटने के लिए। अब दोस्तों पहले जो है मुंबई की लोकल ट्रेन नेटवर्क या कहे तो ओवरऑल इंडियन रेलवेज DC इलेक्ट्रिसिटी पे चलती थी या डायरेक्ट करंट पे चलती थी, जहाँ पर 1500 वोल्ट DC का इस्तेमाल होता था। लेकिन AC करंट जो है वो चाहे 25,000 वोल्ट पे क्यों ना चल रहा हो वो ज़्यादा एफिशिएंटली ट्रेन्स को चलाने में सक्षम था। इसके लिए साल 1990s में सारे के सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स का AC-DC कन्वर्जन शुरू हुआ। सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन में ये काम तेज़ी से हुआ। मिड 2000s तक ज़्यादातर ये लाइन्स AC बन गई थी, और इसीलिए जब नई AC लोकल ट्रेन्स आई या ऑल्टरनेटिंग करंट पे चलने वाली लोकल ट्रेन्स आई तो ये सेंट्रल वेस्टर्न लाइन पे चलना शुरू हुई, और DC लोकल ट्रेन्स 100% कन्वर्जन के बाद में इन लाइन्स पे चलने के लिए सक्षम नहीं थी। और एक लाइन बची थी जहां पर ये चल सकती थी, वो थी हार्बर लाइन। तो जब नई ट्रेन सेंट्रल वेस्टर्न लाइन में आती तो वो हार्बर को दे दी जाती। इनफैक्ट 2016 वो लास्ट साल था जब हार्बर लाइन का एक्चुअल कन्वर्जन कंप्लीट हुआ DC टू AC के अंदर, जो काफी लेट है कंपेयर टू वेस्टर्न एंड सेंट्रल लाइन। और इस समय के दौरान जब वेस्टर्न सेंट्रल पूरी तरीके से कन्वर्ट हो रही थी, उसमें पर सारी की सारी पुरानी ट्रेन हार्बर में डंप कर दी गई थी। अब बीच में एक फेज था मुंबई लोकल ट्रेन का जहां पर प्योर AC ट्रेन्स थी, प्योर DC ट्रेन्स थी, और AC-DC के अंदर स्विच करने वाली भी कुछ ट्रेन्स थी मुंबई के अंदर, और ये ट्रेन्स हार्बर लाइन पर काफी लंबे समय तक चली। लेकिन फिर भी इनका रिप्लेसमेंट होना था, लेकिन जब ये 2016 के बाद की भी हम बात करें तो काफी लंबे समय तक ये चेंज हो नहीं पाया, और इसके अगले रीजन समझेंगे। पहला है सेंट्रल लाइन का इग्नोरेंस। सेंट्रल लाइन के जो DMs रहे हैं, जो भी ऑपरेटिंग बॉडीज रही है, उनके द्वारा हमेशा से हार्बर लाइन को एक लॉस मेकिंग लाइन के तौर पर माना गया है। लेकिन वैसे देखे तो ओवरऑल वेस्टर्न
लाइन सेंट्रल लाइन दोनों में भी ऐसे कुछ बहुत बड़ा प्रॉफिट बना नहीं लेते ये लोग, काफी यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं। लेकिन हार्बर लाइन जैसे मैंने कहा एक लो इनकम एरिया आता है और यहाँ पे पॉपुलेशन भी कंपैरेटिवली लेस है, तो यहाँ पे टिकट सेल्स पूरे की पूरे मुंबई लाइन के अंदर सबसे कम दिखाई देती है, जिसके कारण रेलवे कहीं ना कहीं पर इस लाइन को इग्नोर करता है। साथ साथ क्योंकि हार्बर लाइन पूरे की पूरे सेंट्रल रेलवे के अंदर की कोई मेन लाइन नहीं आती, ये एक ब्रांच लाइन है जो सिर्फ और सिर्फ मुंबई सब अर्बन डिविजन में चलती है, जहां पर ये प्रॉपरली नवी में वो कनेक्ट करने के लिए बनाई गई है। तो ये एक एडिशनल काम है सेंट्रल रेलवे के लिए जहां पर इसे ऑपरेट करना पड़ता है, जिसके कारण यहां पर इस लाइन के ऊपर पूरा ध्यान नहीं सेंट्रल लाइन देती, क्योंकि जो सेंट्रल लाइन के पूरे ऑपरेशंस चलते हैं वो यूनिफॉर्मली चलते हैं, जबकि हार्बर लाइन कहीं ना कहीं पर सेपरेटली एक अपनी अलग दुनिया में ऑपरेट करनी पड़ती है, और इसीलिए इस लाइन को इग्नोर किया गया है। अब देखो फ्यूचर की बात करें तो वो इतना खराब नहीं है, नवी मुंबई के पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पर टिकट सेल्स की हम बात करें, रेवेन्यू की बात करें, या अच्छे या इंपॉर्टेंट एरियाज को कनेक्ट करने की बात करें, तो हार्बर लाइन वो करने में सक्सेसफुल रही है। अगर मानखुर्द और वाशी के बीच में ब्रिज नहीं बनता तो आज के डेट में नवी मुंबई जितना एक्सपांड हुआ है उतना एक्सपांड होकर देश के टॉप शहरों में नहीं होता। एट द सेम टाइम हार्बर लाइन भी मुंबई के एक्सपांड के साथ में कुछ ऐसे एरियाज को कैटर करना शुरू कर चुकी है जो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो चेंबूर हो, वड़ाला हो, या कई सारे दूसरे इंपॉर्टेंट एरियाज, ये अब पहले की तरह नहीं रहे जहां पर सिर्फ लेबर क्लास ट्रैवल करता हो, इसलिए यहां पर भी धीरे धीरे ट्रेन रिप्लेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है। साथ साथ स्टेशन के ऊपर भी अच्छे से काम किया जा रहा है। फ्यूचर में अगर मुंबई ईस्टर्न वाटरफ्रंट डेवलपमेंट ठीक से होता है तो हार्बर लाइन वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन से भी ज्यादा प्रीमियम बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सर्व, जिसकी वजह से फ्यूचर में भी ये लाइन बेहतर केटरिंग के साथ में हमें नजर आएगी, जहां पर बेहतर ट्रेन एटलीस्ट कॉम्पिटिशन वाली ट्रेन नजर आएगी सेंट्रल लाइन और वेस्टर्न लाइन के कंपेरिजन में, तो फ्यूचर में ये चीज जो है हमें होते हुए नजर आएगी। आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रीटमेंट मिला हार्बर लाइन को वो सही था या नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। साथ साथ हमें सब्सक्राइब करना, उससे हमें बहुत मदद मिलती है और आपके लिए तो वो फ्री होता है। और मिलेंगे अगले वीडियो में।